नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। इस वक्त उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर जारी है। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर एक हादसा हो गया, जहां रानी पोखरी इलाके में पुल गिर गया है, जिसके चलते वहां मौजूद कई गाड़ियां धंस गई है। पुल गिरने का पूरा वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर रानी पोखरी इलाके में एक पुल गिर गया। इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कई गाड़ियां भी पुल में धंस गई है और घबराए लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल एक साल पहले ही बनाया गया था, जो कि पहले ही बारिश में टूट गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को बड़ा झटका लगा है। तेज प्रताप के हनुमान कहे जाने वाले आकाश यादव एलजेपी में शामिल हो गए। देखा जाए तो आरजेडी के लिए बेहद ही बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि कई अन्य नेता भी एलजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के हनुमान और चहेते आकाश यादव एलजेपी में शामिल हो गए। इसको लेकर दिल्ली में एलजेपी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया और इस खबर के आने के बाद आरजेडी में अब खलबली तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कई अन्य नेता भी एलजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ा दी है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वे बेहद जल्द यूपी में महापंचायत करेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने लखनऊ के घेराव का ऐलान भी कर दिया है। देखा जाए तो अगले साल यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले योगी सरकार के सामने किसान बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी में महापंचायत करेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान लखनऊ का घेराव करेंगे। देखा जाए तो यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राकेश टिकैत बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार यूपी चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत इस वक्त नासाज बताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार अशोक गहलोत के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। अशोक गहलोत के मंत्री समेत कई विपक्षी नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर सचिन पायलट और सतीश पूनिया से लेकर तमाम नेताओं ने लगातार अशोक गहलोत की सेहत को लेकर ट्वीट किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है, ऐसे में अस्पताल में उनकी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत केथ लैब में एंजियोग्राफी हो रही है। एंजियोग्राफी के बाद सीएम गहलोत की एंजियोप्लास्टी भी होगी। वहीं सीएम गहलोत की तबीयत नासाज होने की खबर मिलते ही प्रदेश में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। सीएम गहलोत की सेहत को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी ट्वीट किया। इसके साथ ही सचिन पायलट के साथ वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत तमाम विपक्षी नेताओं के साथ तमाम नेता अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। माना जा रहा है कि 30 अगस्त के बाद राजस्थान के 10 जिलों में भयानक बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 30 अगस्त से तीसरे चरण की बारिश का दौर शुरू होगा और इससे पहले ही 10 जिलों में आसमान से मेहर बरसेगी। बारिश का जोर इस बार भी पूर्वी राजस्थान पर रहेगा। हालांकि जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो सितंबर के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश के योग बन रहे हैं। इसको देखते हुए राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश की हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालोर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से 10 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहे सन स्टार टीवी।